दोस्तों, सभी को लगता है कि अमीर तो वही बन सकता है जिसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा हो या फिर अच्छी एजुकेशन हो। और कुछ लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए ये सब नहीं तो कम से कम अपने बिजनेस की जरूरत तो है ही। लेकिन इन सभी नोशंस को ध्वस्त करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था रोहन रीड, जो कि एक पेट्रोल पंप में काम करता था और बाद में वो एक स्वीपर की तरह काम करने लगा। और इस जॉब में रहते हुए उसने अपने लिए 64 करोड़ रुपए जोड़ लिए थे। ये कहानी बहुत तरीकों से खास है क्योंकि सभी को रोनाल्ड की वेल्थ का पता उसके मरने के बाद चला। आखिर कैसे हुआ ये आदमी इतना अमीर और इसकी जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रोनाल्ड रीड का जन्म 1924 में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के 5 साल पहले। रोनाल्ड अपने घर से पहला इंसान था जिसने हाई स्कूल पास किया था और स्कूल जाने के लिए भी उसे 6.4 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जहां पर उसने एक मिलिट्री पुलिसमैन के रूप में काम किया। और जब वो वापस अमेरिका आया तो उसके पास अब कोई काम नहीं था, इसलिए उसने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करनी शुरू कर दी। 1979 में 58 साल की उम्र में रोनाल्ड ने पेट्रोल पंप की इस नौकरी से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन वो खाली घर पर नहीं बैठना चाहता था, इसीलिए उसके तुरंत बाद उसने जेसी पैनी नाम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक स्वीपर की नौकरी ले ली। और इस नौकरी को भी उसने 1997 यानी अगले 17 साल तक किया। 2014 में जब रोनाल्ड की मौत हुई तो फैमिली उदास तो थी, लेकिन तभी उन्हें उससे भी बड़ा एक शौक लगा। उन्हें पता चला कि रोनाल्ड अपने पीछे $80 लाख यानी कि 64 करोड़ रुपए छोड़कर गए। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर कैसे जिस इंसान ने सारी जिंदगी बहुत ही लो प्रोफाइल जॉब्स की हैं उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। और अगर रोनाल्ड के पास इतने पैसे थे तो आखिर उसने कभी अपने लिए कोई बड़ा घर, गाड़ी या फिर कुछ क्यों नहीं खरीदा और वो काम ही क्यों करता रहा। तो रोनाल्ड की जिंदगी शुरू की जाए तो हमें वापस उस पेट्रोल पंप पर चलना होगा जहाँ से रोनाल्ड ने शुरुआत की थी। इस पेट्रोल पंप पर अपने लंच ब्रेक के वक्त वो एक कैफेटेरिया में जाया करता था जो कि वहाँ के लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल में था। लेकिन कुछ सालों बाद ये कैफेटेरिया बंद हो गया और रोनाल्ड को फिर एक दूसरे कॉफी शॉप में जाना पड़ा। एक दिन इसी कॉफी शॉप में उस हॉस्पिटल के डेवलपमेंट डायरेक्टर से रोनाल्ड की मुलाकात हुई। बातें करते वक्त उस डायरेक्टर ने रोनाल्ड को पास की एक लाइब्रेरी में से मिलने के लिए कहा। उस डॉक्टर ने तो रोनाल्ड को कोई खास एडवाइस नहीं थी, लेकिन उस लाइब्रेरी में जाकर रोनाल्ड ने कई सारी बुक्स डिस्कवर की और रोनाल्ड को पढ़ने का शौक चढ़ गया। इसके बाद रोनाल्ड ने कई सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी शुरू की जिसमें पैसे की वर्किंग को लेकर काफी कुछ था। इसके बाद रोनाल्ड का स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट पड़ने लगा। इन बुक्स के साथ साथ रोनाल्ड को द वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के एक फाइनेंशियल अखबार पढ़ने का खूब शौक था, जिस वजह से रोनाल्ड एक मामूली सा वर्कर होने के साथ साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही गतिविधियों के बारे में एक एक्सपर्ट भी बन गया। इसके बाद रोनाल्ड ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी और एक तरह से कहा जाए तो ये बिल्कुल ही बेसिक भी थी जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है। रोनाल्ड की मौत के वक्त उसने 95 कंपनीज के स्टॉक खरीदे हुए थे, जहां से रोनाल्ड की पहली स्ट्रेटजी का पता चलता है। ये स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कि कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वो बिजनेस कितना ही प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। हमने देखा ही है कि कई बार लोग एक ही दिन के मार्केट क्रैश से अपना सारा पैसा खो देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके रखी होती है। इसके बाद रोनाल्ड की इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी किया जाए तो रोनाल्ड ने हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशंस, पब्लिक यूटिलिटीज, जेट रेल ट्रांसपोर्ट, बैंक्स और कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम करने वाली कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। रोनाल्ड लेमन ब्रदर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। लेमन ब्रदर्स वही बैंक था जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में बर्बाद हो गया था। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रोनाल्ड का सारा पैसा नहीं डूबा। अब एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से निकल कर आया है कि आखिर जब रोनाल्ड की मौत 2014 में हुई थी तो तब तक उसने गूगल या एप्पल जैसी कंपनीज में कुछ भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया था। ये भी रोनाल्ड की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। रोनाल्ड किसी भी उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जिसके बारे में उन्हें ना पता हो। अपनी लाइब्रेरी की फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण रोनाल्ड को बैंक्स और बाकी चीजें तो समझ आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए वो अपने पैसे के साथ जुआ खेलकर टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इस स्ट्रेटजी ने भी उन्हें एक बहुत बड़े लॉस से बचाया। 90 के दशक में इंटरनेट नया नया आया था, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिना कुछ सोचे समझे ही किसी भी इंटरनेट कंपनी में पैसा लगाने में लगे थे। आज तो ये जोक भी चलता है कि किसी भी नाम के आगे अगर आप .com लगा दें तो कल ही आपको $1 मिलियन की फंडिंग मिल जाएगी। इस समय में काफी सारी ऐसी कंपनीज भी खड़ी हो गई जिनके पास ना कोई बिजनेस मॉडल था और ना ही कोई प्लान,
लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसे लगाए जा रहे थे इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड ने इस समय में किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। पर 2000 का साल आया जब .com बबल क्रैश कर गया। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आपदा थी जब अचानक से लोगों को समझ आ गया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपना पैसा लगाकर बड़ी गलती कर दी है। इसलिए सभी लोग अपना पैसा मार्केट से निकालने लगे। जैसे जैसे लोग पैसा निकालने लगे स्टॉक्स की वैल्यू भी गिरने लगी। अब स्टॉक्स की वैल्यू गिर रही थी इसलिए और भी ज्यादा लोग अब यहाँ से पैसा निकालने लगे और इस तरह से पूरा मार्केट ही रातों रात क्रैश हो गया और बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। आज भी हम क्रिप्टो के साथ यही देखते हैं कि लोग बिना क्रिप्टो को समझे उसमें भीड़ चाल की तरह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर अचानक से एक दिन उनका सारा पैसा डूब जाता है। रोनाल्ड इस .com बबल को इसलिए अवॉइड कर पाए क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी पर अड़े रहे। अब सवाल ये कि रोनाल्ड आखिर इतने अमीर थे तो उन्होंने कभी ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। रोनाल्ड को अमीर होने और वेल्दी होने का फर्क पता था। आप चाहें तो एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी खरीद कर अमीर दिख सकते हैं, अमीर फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वेल्दी नहीं है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आपके ऊपर लोन रहेगा, आपको EMIs भरनी पड़ेंगी और साथ ही आप इस बोझ के कारण जो भी उस वक्त जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लगातार पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। पैसे का मेन फंक्शन आपको फ्री करना है ताकि आप अपने हिसाब से लाइफ जी सकें, जब चाहे आप उठ सकें, जब चाहे काम करें और जब चाहे ब्रेक ले सकें। रोनाल्ड को फ्री रहना था इसलिए वो कभी इस जाल में नहीं फंसे और हमेशा ही वेल्थ क्रिएट करते रहे। उनके लिए पैसा कमाना उनकी नीड नहीं था बल्कि इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए गेम की तरह थी जिसमें वो रोज बेहतर होना चाहते थे। साथ ही उन्हें ये भी पता था कि घर और कार दोनों ही डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, यानी वो चीज हैं जिनकी वक्त गुजरने के साथ वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। शोरूम से निकलने के बाद एक कार की कीमत 30% तक कम हो जाती है। इसके मुकाबले अगर आप जमीन खरीद कर या स्टॉक खरीद रहे हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादातर केसेस में हमेशा बढ़ती ही रहेगी। रोनाल्ड का लाइफ को लेकर क्या नजरिया था ये उनकी वसीयत से भी पता चलता है। जो $8 million उन्होंने अपनी जिंदगी पर कमाए थे उनमें से $2 million वो अपने बच्चों के नाम कर गए थे, लेकिन उन्होंने $4.8 million उस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए थे जिसके कैफेटेरिया में वो खाना खाने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने $1.2 million उस लाइब्रेरी को भी डोनेट किए जहां उन्होंने किताबें पढ़कर ये सब कुछ सीखा था। रोनाल्ड की कहानी में हमारे लिए सीखने के लिए काफी कुछ है। पहला तो यही है कि अगर रोनाल्ड बुढ़ापे में एक लाइब्रेरी जाकर कुछ सीखने की इच्छा रख सकते हैं तो हमें आखिर कौन रोक रहा है। रोनाल्ड ने ना सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई किया और कभी इस बात को लेकर वो घमंडी नहीं बने। उन्होंने कभी शो ऑफ करने के लिए कोई महंगा सामान नहीं खरीदा, अपने घर वालों तक को नहीं बताया कि वो कितने अमीर हैं, बस काम करते रहे और आराम से अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। जब इस जिंदगी को अलविदा कहने का भी वक्त आया तब उनके मन में कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा डोनेट कर दिया ताकि जिस समाज ने उन्हें बनाया था वो पैसा उसी समाज की बेहतरी के काम आ सके। रोनाल्ड और एक लॉटरी जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा फर्क था कि पैसे ने रोनाल्ड को नहीं बदला और इसीलिए वो पैसा उनके पास हमेशा रहा और आज भी उनकी बात की जा रही है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब में भी रोनाल्ड की कहानी दर्ज है जहाँ से पूरी दुनिया को उनके बारे में शायद पहली बार पता चला। आपको रोनाल्ड की कहानी से क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।